ग्लैन भाई को मैंने अपने साथ बिठा लिया है। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये रहा अपना धान का बीज। फाइनली जी भूसे को लेके जा रहे हैं मेरे ब्रदर इन लॉ। पूरी ट्रॉली फुल हो गई है भूसे से, ये भूसा कुछ पीछे बच गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। मैं और अरफा बाइक पे बैठ के आए हैं खेत में। मैंने देखा कि मेरे ब्रदर इन लॉ लगे हुए हैं और साथ कुछ बंदे भी लगे हुए हैं, तो मैंने सोचा कि चलो चक्कर मार आते हैं। अभी काम लगे हुए थे कि भाई साहब हवा के साथ साथ बारिश भी आ गई है हल्की हल्की। ये फटा लगाया हुआ है ट्रॉली के ऊपर जाने के लिए। ओ वेके वे वेके यार, इतना क्यों क्यों घुस जा मेरा बेबी, नजर लगवानी है खुद को। और ये मुझे ना सीधा डायरेक्ट चाचू चूचू कुछ नहीं कहती, ये मुझे जैन मतलब अपनी तरफ से जैन बुलाती है, लेकिन थोड़ा डैन सा करके ना बुलाती है मुझे, डैन डैन। तो ऐसे ही मुझे डायरेक्ट बोलती है, जो कि इसके मुंह से बहुत अच्छा लगता है। चलें, पहले बोलो जैन। आए, आपको पता ही है कि पूल में धान का बीज जो है ना वो डिबो के रखा हुआ है पानी में, तो पानी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता कम हो गया हुआ है पूल से, आहिस्ता आहिस्ता पानी जो है ना इधर से निकल रहा है, तो पानी कम हो गया जी। और अभी मोटर भी नहीं चलेगी क्योंकि मोटर सोलर पे है और धूप है नहीं। अल्लाह पाक के हवाले जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह उम्मीद है कि कुछ नहीं होता। अभी भी धान का बीज जो है ना काफी ज्यादा पानी के अंदर है। मोटर नहीं चली तो कोई बात नहीं जी, ऊपर से बारिश शुरू हो चुकी है, देखें माशाल्लाह। अभी जी रात हो चुकी है और मैं पी रहा हूँ चाय, और इसी चाय के दौरान मैसेज मिला है कि सियालकोट जाना है, तो चाय को यहीं पे छोड़ेंगे भाई साहब और चलेंगे सियालकोट। टाइम 8 होने वाले हैं। भाई मुबशर का काम है, भाई मुबशर को मुझे नजर आ रहा है कि भाई मुबशर को बहुत ज्यादा नींद आई हुई है, थोड़ी भी नहीं बहुत ज्यादा। आज मैं थक चुका हूँ और बहुत ज्यादा नींद आ रही है, इसमें कोई शक नहीं। और बाहर भाई मुदस्सर आ चुके हैं बाइक पे, तो भाई मुदस्सर टाउन गए थे, तो मैंने भाई मुदस्सर को कहा था कि आते हुए ना गोलगप्पे लेके आइएगा, तो अभी भाई मुदस्सर 100% गोलगप्पे लेके आए होंगे। हाँ जी फातिमा जी, यार करना मैं तू बदमाशी करना साढ़े वाले आगे, चलो अं उंज भी चले हैं जनाब, चंगा होया तो नहीं लिया। भाई मुदस्सर की फैमिली जो है ना वो पूरी नहीं हो रही, बरीरा जो है ना वो इधर रह गई है, तो उसका दिल करता है कि इसी घर रहूं, तो अभी अम्मी जान और अरफा के साथ वो निकल गई है किसी के घर। अल्लाह हाफिज। उधर आ टाइम 7:43 हो रहे हैं, तो भाई बशर कहते हैं कि गाड़ी लेके ना गांव की दूसरी तरफ आ जाओ। सर जाना चाहते हो साढ़े नाइट रोड ट्रिप ते सियालकोट तक, ते दसो। तो काम है भाई, बशर ने वीडियोस के रिलेटेड कुछ सामान खरीदना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, किया पे जाएंगे जी हम। करोला जो है आज सारा दिन बाहर ही रही है। अब्बू जान लेके गए हुए थे करोला को, अम्मी जान और अब्बू जान सिस्टर जान गए हुए थे। गाड़ी भी बड़ी टाइट जगह पे लगी हुई है, बड़े गौर और फिक्र से निकालनी पड़ेगी। हाँ जी सर, आपका फाइनल डिसीजन है फिर? पावर बैंक यार मुकर्रम दा। ओके, मुझे पूछ रहे हैं कि मुझे बता रहे हैं? पूछ के दे रहा हूँ, मुझे नहीं फिर पता, मुझे तो लग रहा है कि भाई मुकर्रम गई है। अल्लाह हाफिज। अल्हम्दुलिल्लाह जी, गाड़ी लेके मैं निकल चुका हूँ, भाई मुबशर मुझे रास्ते में मिलेंगे। ये आ गए जी भाई मुबशर, और भाई मुबशर ने अपनी वीडियोस के रिलेटेड थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, तो उसके लिए जा रहे हैं। भाई मुबशर आज सारा दिन बहुत बहुत बिजी रहे हैं, अभी थक गए हुए हैं। वालेकुम अस्सलाम, आप सोएंगे पीछे जी? जब पहुंचेंगे आपको उठा लेंगे हम। भाई मुबशर की आंखों से ही नजर आ जाता है कि इनको नींद आई हुई, एकदम रेड हो जाती है जब भाई मुबशर को नींद आई होती है ना। तो भाई मुबशर की रूटीन है सुबह जल्दी उठना है और रात को टाइम से सो जाना है। भाई साहब कुछ चीजें जो है ना वो हमारे इलाके से नहीं मिलती है, कुकिंग के रिलेटेड या और भी बहुत सी चीजें हैं जो हमारी तरफ से नहीं मिलती है, फिर उसके लिए हमें स्पेशल सियालकोट जाना पड़ता है, जैसे की अभी हम जा रहे हैं। और इस तरफ किसी ने आग लगाई हुई है अपने खेत में। बहुत से लोग जो है ना हार्वेस्टर से गंदम कटवाते हैं ना, तो बहुत हिस्सा जो है ना गंदम का वो खेत में ही रह जाता है, तो फिर उसको लोग जो है ना जला देते हैं, उसको वड बोलते हैं। तो वड को अभी ना आग लगाई हुई है, वो देख सकते हैं आप। रोड साइड पे अभी बहुत ज़्यादा भंग हो गई हुई है, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भंग है ये, और ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, मतलब इसका कद जो है ना आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। भाई मुबशर सोए हुए हैं, आप आगे आ जाए। वालेकुम अस्सलाम, आगे आओ सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। भाई जान, ये भाई मुदस्सर ने दिया पावर बैंक ये आपका? ये कैसे मुमकिन है कि हम सियालकोट जाएं वो भी इतनी लेट और भाई मुकर्रम के बगैर जाएं? सफर के ना अच्छे पार्टनर हैं। भाई साहब सियालकोट पहुंच गए हैं, लेकिन मुझे ना गाड़ी चलाते हुए बेचैनी सी हो रही थी, दिल ख़राब होना शुरू हो गया था। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि गाड़ी चलाते हुए मेरा दिल ख़राब होना शुरू हुआ है, तो मैंने रोड साइड पर रोकी है गाड़ी,
और मैं बाहर आ गया भाई। सबसे पहले हम आए हैं जी गोश्त लेने के लिए, जो जो यहाँ से लेना था ना भाइयों ने ले लिया, वो उधर बिल करवा रहे हैं अभी। सारा काम खत्म करने के बाद अभी आए हैं मैकडोनल्ड पे, ड्राइव थ्रू करेंगे और निकलेंगे गाँव को जी। टाइम रात के 10 होने वाले हैं। मेरे भाई ते मैं ऐसी चुक रहे हैं लंगर ते हूँ मैं खा रहे हैं पट। फर्स्ट टाइम इतना मुश्किल सफ़र गुजरा है जी, नींद से बुरा हाल है, नींद बहुत आई हुई है मुझे, नींद मेरी पूरी ना होना तो मुझे कोई समझ नहीं आती है क्या करना है क्या हो रहा है, अजीब सा हो जाता है साहब। आज जी मैं सेहन में चारपाई पे सोने वाला हूँ खुले आसमान के नीचे। अंदर ना बहुत हबस सी गर्मी सी होती है तो अंदर नहीं सोने को दिल करता ना, तो आज मैं बाहर ही सोने वाला हूँ। और बाहर सोना है ना तो ये मच्छर बाग ही सहारा है अपना, क्योंकि मच्छरदानी नहीं है अपने पास तो मच्छर जो है ना वो खा जाएगा, तो ये तेल लगाऊंगा ना मैं तो फिर मच्छर मेरे पास नहीं आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये है अपना खेत जिसमें हमने करनी है धान की पनीरी काश्त। तो बहुत दिन पहले इसमें हल चलाई थी लेकिन अभी बहुत दिन हो चुके हैं तो इसमें ना ये घास उगाई हुई है, इसको हम ढीला बोलते हैं, सही है ये, तो अभी ये उगाई हुई है तो अगेन इसमें हल चलानी पड़ेगी। तो मैं कमर भाई के साथ जा रहा हूँ, ट्रैक्टर लेके आऊंगा और भाई साहब इसमें चलाएंगे हल इंशाल्लाह। ये देख सकते हैं हम कितना ढीला हो गया हुआ है, ग्रीन ग्रीन जितना भी आपको नजर आ रहा है ना ये ढीला है। ये हैं अपने कमर भाई माशाल्लाह, तो खेत में ही आए हुए थे तो इनके साथ अभी मैं जा रहा हूँ। चलो जी, रात को ट्रैक्टर इधर खड़ा किया था कमर भाई ने ना, ट्रैक्टर के पीछे ट्राली है, ट्राली को हवेली में छोड़ेंगे और पीछे हल लगाएंगे देसी और फिर लेके जाएंगे। ये आ चुका है ट्रैक्टर माशाल्लाह और हम हवेली पहुंच चुके हैं। ये कमर भाई की हवेली आपको पता ही है और इस तरफ देखें लाइन में बछड़े बांधे हुए हैं माशाल्लाह, कुर्बानी के लिए लेके आ गए हुए हैं कमर भाई। इधर हल पड़ी हुई है, ये ट्रैक्टर के पीछे लगानी है। कमर भाई ने जी बंदर भी रखा हुआ है हवेली में, ये है जी उपले और ये देखें कैसे तरतीब के साथ लगाए हुए हैं। तो ये जो तरतीब लगाई हुई है ना इसको हम पंजाबी में बोलते हैं सड़गाड़, ये सड़गाड़ लगाया हुआ है तो आपको दिखाता हूँ मैं। ये तो वैसे लगाए हुए है ना, अभी इनमें जो सुराख है ना इनमें मिट्टी वगैरह लगा दी जाएगी। ये देख रहे हैं ये मट्टी लगाई हुई है, ये मट्टी लगाने के पीछे रीजन ये है कि ये नीचे नहीं गिरेंगे, एकदम चिपक के रहेंगे एक दूसरे के साथ। ये नीचे टकले हैं बड़े वाले उपले, ऊपर पाथियां हैं बारीक बारीक ना, ये जो देख रहे हैं आप। जब बारिशों का सीजन शुरू होगा ना तब इनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी क्योंकि हर चीज जो है ना तब गीली हो गई होती है तो सूखा ईंधन नहीं मिलता। और इस तरफ ये भूसा सेव किया हुआ है। ट्रैक्टर के पीछे से ट्राली उतार दी है, अभी लगाएंगे हल। तो हमें सुहागा जो है ना ये नहीं चाहिए तो हम इसे नहीं लेके जाएंगे, सिर्फ हल को लेके जाएंगे। और कुछ दिन पहले मैं और कमर भाई और स्कलैंड भाई गए हुए थे टाउन, वहां से ये फाले लेके आए थे, ये ब्लू वाले जो आप देख रहे हैं ना लगा दिए गए हैं अभी फाले जी। ये हल की मेन चीज होते हैं, इससे ही भाई साहब खेत जो है वो तैयार होता है। यहाँ पे मैं बैठूंगा तो ट्रैक्टर धूप में था तो ये चीज ना बहुत गर्म हो गई होगी ना, तो अभी कमर भाई ऊपर पानी डाल रहे हैं ताकि ये ठंडी हो जाए, फिर मैं बैठ जाऊंगा सुकून से जी, नहीं तो तशरीफ जल जाएगी। हले लगा के जी ट्रैक्टर को निकाल लिया है बाहर। बहुत टाइम से मेरा दिल है कि मैं ट्रैक्टर चलाना सीखूं तो आज जो है ना ट्राई करेंगे, ट्रैक्टर को थोड़ा बहुत चलाएंगे, देखते हैं कि इसको चलाना आसान है या मुश्किल। कहते हैं कि आसान है, मैं तो कार तो चला लेता हूं आपको पता ही है, तो आज ट्रैक्टर भी चला के देखते हैं क्या हिसाब किताब होता है। तो ये कुछ ऐसा सेटअप आज हम लेके जा रहे हैं, पीछे सुहागा नहीं है, हल्ले और ट्रैक्टर, दैट्स इट। कमर भाई ने खेत में हल चलाना शुरू कर दी है तो इस खेत में कमर भाई हल चला लें, फिर इस खुले खेत में मैं ट्राई करूंगा ट्रैक्टर को चलाने की। तो इधर अपने कुछ जवान बैठे हुए हैं, इनमें से कुछ जवान जो है ना अपने ट्रैक्टर चला लेते हैं, सिर्फ मैं नहीं चला सकता और मेरे बड़े भाई जुल्फकार भाई ट्रैक्टर नहीं चला सकते, भाई मुबशर भी ट्रैक्टर चला लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी खेत में हल चला दिया गया है, सकलैन भाई भी थोड़ा बहुत ट्रैक्टर चला लेते हैं। तो अभी भाई बशर ट्रैक्टर चलाएंगे पहले ना, देखते हैं भाई साहब, मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा है ट्रैक्टर से ना, कभी चलाया नहीं है इसलिए। अभी भाई बशर बैठेंगे, ला दिया गई ने अल्लाह थले भाई, ओए होए वाह जी वाह माशाल्लाह वाह जी वाह। एक है साढ़े अमर भाई ने ड्राइवर ट्रैक्टर दे, ये इतने हैवी ड्राइवर हैं ना कि इनको जब भी कमर भाई ने ट्रैक्टर दिया ना, कमर भाई के छोटे भाई हैं ये, जब भी ट्रैक्टर दिए ना कुछ नुकसान किया है। एक दफा ट्रैक्टर दिया तो स्टेरिंग ही अलग कर दिया ट्रैक्टर से, और कुछ दिन पहले ट्रैक्टर दिया तो एक जवान के पाँव की उंगलियां तोड़ दी हुई है, पाँव आ गया था जवान का ना एक का ट्रैक्टर में, उसकी उंगलियां टूट गई हुई है पाँव की। एडे हैवी ड्राइवर ने जद भी अगर तोड़ चुके इन ट्रैक्टर ध्यान दे लगभग ना, तो राह छड़ के ना उस जो साइड से जू छड़ जो, क्योंकि है ना था कोई पता नहीं थले दे।
हमारे घर में दो जवान हैं जो ट्रैक्टर चला लेते हैं, एक भाई मुबशर और दूसरे मेरे अबू जान। मेरे अबू जान तो ट्रैक्टर के हैवी ड्राइवर हैं, बहुत टाइम पहले वो किसी का ट्रैक्टर चलाया करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, भाई मुबशर ट्रैक्टर चला के आ चुके हैं, अभी मैं बैठूंगा। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ है, फिर चलाएंगे ट्रैक्टर। हाँ जी जी, ट्रैक्टर की लेफ्ट साइड पे जी ये इधर ये है क्लच, इधर आप वैसे पांव रख सकते हैं। उसके अलावा ये है हैंड ब्रेक, बाकी दूसरी तरफ से दिखाता हूँ। दूसरी तरफ जी ये है रेस और ये ब्रेक है दूसरे टायर की, वो जो उस तरफ बड़ा टायर है उसकी ब्रेक है, और ये वाली जो है ना इस टायर की ब्रेक है। ये जी बैठ गए ट्रैक्टर पे। ये जी गियर लीवर है, इस पे आप देख सकते हैं कि किस तरफ को कौन सा गियर डालना है। जहाँ पे जोर वगैरह लगाना हो ना तो ये गियर इस्तेमाल होता है। क्लच को किया प्रेस। ओए 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 ओए, डेंजरस है काम। सही है जी, मजा आ रहा है जी। बंद हो गया जी ट्रैक्टर मुझसे, क्योंकि एक हम मेरे हाथ में मोबाइल था, मैं वीडियो बना रहा था, उस वजह से बंद हो गया। अभी मैं मोबाइल स्क्रैन वाई को पकड़ाऊंगा और आपको हैवी ड्राइविंग करके दिखाऊंगा। रेत है थोड़ी, रेस है। आता ना मजा। स्क्लैन भाई को मैंने अपने साथ बिठा लिया है। भाई जैन इसको ऐसे करो, थोड़ा कट 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 रेस कट कर ले। रेस बढ़ाई है तो मोड़ा है तो कम करो कम तो पाँव से तो कम कर ली। इधर से अभी मुझे नहीं पता है तो कहते हैं। अभी जी हल जो है ऊपर उठानी है। सही हो गया, पीछे हट जाओ, बंदा ना भाई पीछे हट जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, लड़के ने ट्रैक्टर चलाया है, काफी ज्यादा हल चलाई है अल्हम्दुलिल्लाह अपने खेत में, और मज़ा आया जी ट्रैक्टर चलाने का अल्हम्दुलिल्लाह। जितना मुश्किल मैं समझ रहा था उतना नहीं है, अभी बहुत सी चीज़ें हैं जो सीखने वाली हैं भैया, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाऊंगा मैं। हाँ जी, मैं भी सीख जाऊंगा। कमर भाई जी, कैसा चलाया ट्रैक्टर? सही चलाया, बिल्कुल सही है, पहली बार जी, जबरदस्त। अगली बार बाहर जा ही नहीं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बहुत अच्छा ट्रैक्टर चलाया आपने, इसी तरह आप ना कोई बड़ी सी बड़ी गाड़ी भी चला सकते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये रहा अपना धान का बीज, पानी में भिगो के रखा हुआ था इसे, 24 घंटों से ऊपर टाइम हो चुका है। नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो है इसे दग्गू लगाना। ये हो गया जी सुपर का बीज। अभी बीज को ना प्लास्टिक में लपेट देंगे ताकि इसे हीट मिले, जब मिलेगी हीट तो बीज फटेगा और बीज के अंदर से फिर धान का वो पौधा जो है ना, पौधा नहीं बल्कि धान जो है वो निकलना शुरू हो जाएगी। सही है, वैसे अगर हीट देनी हो तो डायरेक्ट धूप में भी रख सकते हैं, लेकिन धूप में नहीं रखना, छांव में रख के इसके इर्द गिर्द प्लास्टिक या कोई ऐसी चीज़ लपेट देनी है ताकि अंदर जो है ना हवा ना लगे धान को, ना धान के बीज को। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अब हम 24 घंटों के बाद अपनी धान की पनीरी काश्त कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रैक्टर चलाने के बाद अभी हम जंगल की तरफ जा रहे हैं, एक छोटा सा काम है। बैठो सर, बैठो बैठो। तो मामला जनाब पानी पा के दो।
अच्छा जी, तो अभी हम इधर आए हैं, काम था, तो काम तो आपको अभी फिलहाल हम नहीं बता सकते, कुछ पर्सनल काम था वो करने के लिए आए हैं। तो इधर अपने बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ये अपने जानवर लेके आए हुए हैं इधर चराने के लिए, क्योंकि अभी खेत खुल चुके हैं ना, फसल कट चुकी है, तो अभी जानवरों को बाहर लेके आया करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी हम वापस जा रहे हैं घर को, जंगल से अभी गुजर रहे हैं। जंगल में भाई साहब माहौल जो है ना पूरा ठंडा होता है, जैसे ही जंगल से निकलेंगे ना धूप गर्मी। ओए होए होए, ये टीवी है जी दूसरे घर का, तो पीएसएल के टाइम पे लेके आया था मैं, तब से इधर पड़ा हुआ है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि इसको ना उधर लगा ही देते हैं, ऐसे पड़ा हुआ है, तो रिमोट भी इसका इधर ही है, तो फिर रिमोट नहीं मिलता बाद में। टीवी है नाजुक सी चीज होती है, हमें थोड़ा सा भी डैमेज हो गया ना तो खराब हो जाएगा, तो कोई फायदा है नहीं। तो अभी इसे उठा के लेके चलते हैं दूसरे घर, वहां पे लगा देते हैं जहाँ पे था ये टीवी जी। पीछे लगा दिया है, यहाँ से ही उतार के टीवी लेके गया था मैं और इधर ही लगा दिया है। तो खैर आज का व्लॉग जो है ना यहीं पे खत्म करते हैं। ज़ैनुल आबिदीन को दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, गाँव में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।